हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ईसिम के बारे में बताने वाला हूँ। ईसिम क्या होता है, कैसे आप इसको खरीद सकते हैं, एक्टिवेट करा सकते हैं, कौन से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ईसिम प्रोवाइड करा रहे हैं और कैसे आपको इसको यूज करना है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ईसिम क्या है। ईसिम एक एम्बेडेड सिम है जिसको आपके स्मार्टफोन या फिर आपके स्मार्ट वॉच पर डाउनलोड किया जाता है और जिसके थ्रू आप प्रीपेड या पोस्टपेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल सिम। यानी कि ये एक डिजिटल और वर्चुअल सिम है। आपको अपने स्मार्टफोन पर कोई सिम इंसर्ट नहीं करना है, फिर भी आपके फोन पर नेटवर्क आएंगे, आप कॉल कर पाएंगे और इंटरनेट भी यूज कर पाएंगे। यही नहीं, ई सिम लेने के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि इसका खोने का खतरा नहीं होता। अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर जाकर आप ऑनलाइन ई सिम एक्टिवेट करा सकते हैं, स्टोर विजिट करने की जरूरत भी नहीं होती। तो अब अगर आपने ई सिम लेने का मन बना लिया है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो स्मार्टफोन है वो ई सिम को सपोर्ट करता भी है या नहीं। ये रही उन सभी स्मार्टफोन्स की लिस्ट जो फिलहाल इंडिया में ई सिम सपोर्ट करते हैं। इसमें एप्पल का आईफोन XR से लेकर 12 प्रो मैक्स तक है। इसके अलावा सैमसंग के ये 5 मॉडल्स हैं, गूगल के पिक्सल 3 से लेकर 4a तक के मॉडल्स हैं और मोटोरोला रेजर के 2 वेरिएंट्स हैं। तो अगर आपका फोन इस लिस्ट में था तो अब ये जान लीजिए कि इंडिया में कौन कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर ई सिम प्रोवाइड कराते हैं। भारत में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी कि वी वो मोबाइल कंपनियां हैं जो कि ई सिम सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो की। अगर आप जियो का ई सिम लेना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने फोटो और आईडी प्रूफ के साथ अपने नियर बाय जियो स्टोर, रिलायंस डिजिटल या फिर जियो रिटेलर के पास जाना होगा और वहां पर जाकर आपको KYC प्रोसेस को पूरा करना होगा, जिसके बाद आपका ई सिम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके नज़दीकी कौन सा जियो स्टोर है तो उसके लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा और यहाँ पर जाकर भी आप अपने नज़दीकी जियो स्टोर का पता लगा पाएंगे। वहीं अगर आप एयरटेल का ई सिम एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि फिलहाल एयरटेल आपके फिजिकल सिम को ही ई सिम में कन्वर्ट कर रहा है और ऐसा करने के लिए आपको एक SMS करना होगा। SMS में लिखना होगा ई सिम स्पेस आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और उसको सेंड कर देना है 121 पर। इसके कुछ देर बाद आपके पास एक कंफर्मेशन SMS और कॉल रिसीव होगा, जिसको आंसर करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक QR कोड आ जाएगा, जिसको अपने फ़ोन से स्कैन करने के बाद आप अपने फ़ोन पर उस ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। आईफोन पर QR कोड स्कैन करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा, इसके बाद आपको मोबाइल डेटा में जाना होगा और इसके बाद आपको ऐड डेटा प्लान पर टैप करना होगा, जिसके बाद जो QR कोड स्कैनर है वो ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसे QR कोड स्कैन करते हैं तो वहीं आपका जो ई सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से एंड्रॉयड स्मार्टफोन की भी नेटवर्क और डेटा सेटिंग्स पर जाकर आप वहां से QR कोड को स्कैन करके ई सिम को एक्टिवेट कर पाएंगे। इन द एंड अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया यानी कि वी की। तो वी का ई सिम लेने के लिए आपको उसका पोस्टपेड यूजर होना जरूरी है, प्रीपेड सब्सक्राइबर के लिए फिलहाल ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वी अपनी ई सिम सर्विस फिलहाल अभी केवल दिल्ली, मुंबई, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में ही दे रहा है, तो अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तभी आप इसका ई सिम यूज कर पाएंगे। बाकी इसका ई सिम एक्टिवेट करने के लिए भी आपको जियो की तरह ही इसके स्टोर पर जाना होगा, वहां पर जाकर KYC प्रोसेस को पूरा करना होगा और फिर आप अपना ई सिम एक्टिवेट करा पाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट ई सिम एंड हाउ टू एक्टिवेट इट। अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी जितनी भी ई सिम रिलेटेड कन्फ्यूजन होंगी या क्वेरीज होंगी वो दूर हो चुकी होंगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा टेक तक।